अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जाहिद इस्लाम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवलिंग विद तनोली। आज मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया है जी डूंगा गली की तरफ और पाइपलाइन ट्रैक पे हम ट्रैकिंग करेंगे। क्यों किया है ये देख ले आप खुद। नहीं बैठना हमें घर पे, हमें पहाड़ चढ़ने हैं, नदियां पार करनी है, जंगलों में घूमना है, कर लो जो तुम्हें करना है, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा, हमको सिखा रहा है। बस ये थी जी सारी कहानी और यही मोटिव था और यही मोटिवेशन थी कि जिसने हमें मजबूर किया और मैंने अपने बच्चों को साथ लिया और डूंगा गली की जानब अपने सफ़र का आगाज कर दिया। एबटाबाद से कालाबाग तक का तो जो माहौल था वो ठीक था, बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी, लेकिन कालाबाग से आगे की जानब जब मैं जाना शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र था कि रोड जो है वो रोड क्लियर था बड़ा, और हम रुकते, पिक्चर्स बनाते, इंजॉय करते और खाते पीते। कोई तकरीबन 1.5 घंटा के बाद हम डूंगा गली के करीब पहुंच गए थे। इत्तेफाक से धूप भी निकल आई थी और थोड़ी थोड़ी देर बाद बादल आ जाते थे और सूरज को जब ढांप लेते थे तो मंजर कुछ और होता था, और जो ही सूरज निकलता था तो एकदम मंजर चेंज हो जाता था और मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया डूंगा गली। इस वक्त मैं खड़ा हूं जी अयूबिया नेशनल पार्क, डूंगा गली का ये जो ट्रैक है इस ट्रैक पे मैं आया हूं। बड़े दिलकश नज़ारे हैं, सारा स्नो कवर्ड एरिया है और बड़ा खूबसूरत मंज़र है। आप देखें और आप भी इंजॉय करें, बड़ा खूबसूरत मंज़र है जी जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखेंगे मेरी बैग पे सारा। बिल्कुल ले लेंगे जी। आज इस ट्रैक पे मैंने इंजॉय बहुत किया, लेकिन मुझे एक बात की बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई कि बहुत सारे स्कूल्स के जो ट्रिप थे वो भी आजकल चल रहे हैं और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे जो हैं कामरा, अटक, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों से वो भी आए हुए थे और वो भी इस ट्रैक पे इंजॉय कर रहे थे, जो कि मेरे लिए बड़ा ही खुशाइन था।
नॉर्मली इस ट्रैक पे परिंदों की आवाज़ें, कीड़े मकोड़े जो हशरात अलर्ज होते हैं उनकी आवाज़ें आती हैं, लेकिन आज चूँकि बच्चे बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं तो इसलिए खूब गहमा गहमी है और हल्ला गुल्ला और हर जानब बच्चों का शोर शराबा भी है। ये हूँ जी मैं इस वक्त अयूबिया नेशनल पार्क में और इस वक्त के ये मनाजर हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मुश्किल पेश आई लेकिन बलाखिर मैं पहुँच गया। ये देख बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं जी। ये देखें अल्लाह अकबर ये देखें जी ऑलमोस्ट घुटने तक मेरा पांव इसके अंदर चला जाता है, चलना बड़ा मुश्किल है। अभी ऊपर बहुत एरिया रहता है इब्राहिम, एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी। कितना? बहुत। इधर स्नोमैन बनाए, इधर बन जाएगा इस टाइम। मैं? हाँ जी सोहेब। क्या हालात है? इधर। ठीक है हालात। आ जाए इधर। अहमद? जी। पुत्र जी क्या सूरत हाल है? ठंड तो नहीं है ज्यादा? जी। ठंड तो नहीं है? नहीं। आ जाए इधर आना। अच्छा? अल्लाह अकबर ये सूरत हाल हो गई है जी, पांव ठंडे ठार हो गए। अल्लाह अकबर ये मनाजर हैं जी मेरे दाएं भाई। अभी मैंने ऊपर की तरफ सफर करना है, वो ऊपर जाना है टॉप पे। ट्रैक कोई भी नहीं है, जहाँ से बस आसानी मिले बर्फ से रास्ता बनाते हुए चढ़ते जाएं जी। यही असूल है यहाँ पे।